बाइट सर्वेट लॉ में कि एप्लीकेशन में ये एक क्वेश्चन बहुत बार आता हुआ दिखेगा आपको कंपटीशन में, हर ऑब्जेक्टिव बुक में है कि अगर आपके पास ऐसा कोई स्पायरल ये रिंग्स हैं, ऐसे बढ़ती जा रही है रिंग का रेडियस, बढ़ता जा रहा है, कैसे बढ़ता जा रहा है, जो सबसे छोटा रेडियस है रिंग का वो ए है और सबसे बड़ा रेडियस बी है, तो आपकी रिंग ए से कहाँ पर चली गई, बी पे चली गई, करंट ही करंट है इसके अंदर, आपको इसके सेंटर पे बी निकालना है, क्या होगा प्रॉब्लम, क्या है, कितनी रिंग्स हैं मालूम नहीं, कितनी रिंग्स हैं पर इतना पता है कि एन टर्न्स हैं, अब आप कहोगे एक टर्न का बी निकाल लो, एन से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं कर पाऊंगा, क्यों, क्योंकि हर का रेडियस चेंज हो रहा है, हर कोई रिंग अपना ही बी कॉन्ट्रीब्यूट करेगी, अब बी की वैल्यू हर की डिफरेंट डिफरेंट है, तो आप कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन के अलावा और कोई तरीका बचता नहीं है, आप नहीं तो इस क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे, क्लियर है। तो हम एक काम करते हैं, रिंग्स रिंग्स एंड रिंग्स ऐसे अज्यूम कर लें जैसे ये डिस्क बनी हुई है, रिंग रिंग रिंग, तो ये डिस्क की तरह ही काम कर रही है, तो आप इमेजिन करें कि आप ये डिस्क की तरह इमेजिन करें जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं रिंग्स के, एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं टोटल, इनर रेडियस ए है, आउटर रेडियस बी है, अब डिस्क की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, बीच में एलिमेंट्री पोर्शन रिंग ली जाती है, तो आप इमेजिन करें कि एक शेडेड रिंग आपने ले ली जिसका रेडियस स्मॉल आर है और थिकनेस कितनी है डी आर है, अब इस रिंग इस पोर्शन में कितने टर्न्स छुपे हुए हैं पता नहीं, ये एक रिंग थोड़ी ना, इसके अंदर और इस मैंने मोटा पोर्शन लिया इसका, अब इसके अंदर रिंग्स 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 हैं दिख तो रही नहीं, तो इसके अंदर कितने टर्न्स हैं मालूम नहीं, पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं, आप मुझे ये बताओ इसकी थिकनेस कितनी है डी आर है, और पूरे डायग्राम की थिकनेस कितनी है, इनर रेडियस ए आउटर बी, तो थिकनेस कितनी है बी माइनस ए, तो आप मुझे ये बताओ कि अगर बी माइनस ए थिकनेस है पूरी डिस्क की, मैं डिस्क बोल रहा हूँ इसे, तो नंबर ऑफ टर्न्स बीच में कितने लाई करते हैं एन, और ये अजम्पशन है कि स्पेसिंग हर रिंग की बराबर है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है, तो बी माइनस ए में नंबर ऑफ टर्न्स एन है, वन के अंदर एन अपॉन बी माइनस ए है, और हमारी थिकनेस कितनी है जो हम एलिमेंट्री पोर्शन ले रहे हैं डी आर, तो डी आर में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं एन बाय बी माइनस ए इंटू डी आर, तो ये नंबर ऑफ टर्न्स आ गए किस पोर्शन में, इस शेडेड पोर्शन में नंबर ऑफ टर्न्स आ गए, शेडेड पोर्शन का रेडियस क्या है आर, तो शेडेड पोर्शन रिंग की तरह ट्रीट करते हुए बी का फॉर्मूला बोले म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई बाय आर, क्योंकि जो हमने रिंग ली उसका रेडियस क्या है आर, तो रिंग का ये बी आ गया, लेकिन इस शेडेड पोर्शन में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं डी एन, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया डी एन, तो आप इस डी एन की वैल्यू को यहाँ से उठा के यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया उस शेडेड पोर्शन की वजह से, पर हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इनर रेडियस से आउटर रेडियस तक, तो लिमिट क्या लगेगी ए से लेके बी तक, तो 1 बाय आर की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ आर है, आर की जगह एक बार अपर लिमिट बी एक बार लोअर लिमिट ए, तो लॉग बी माइनस लॉग ए इज लॉग ऑफ बी बाय ए, ये ऑप्शन आप मार्क करेंगे जब पेपर में आएगा, पर आपको लॉजिक समझ में आ गया कि कैसे ये रिंग्स को आपने कैसे कंसिडर करना है इसमें, और ये आंसर आपने मार्क करना है। फिर इस क्वेश्चन के बाद उन्होंने फिर एक और क्वेश्चन बनाया, और इस बार क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर दिया, इस बार कैसे किया, ऐसी रिंग्स दे दी आपको जिसमें कंसेंट्रिक रिंग्स हैं, रेडियस फिर चेंज हो रहा है, इस बार नंबर ऑफ टर्न नहीं दिए, कहते हैं इनफाइनाइट रिंग्स है, नंबर ऑफ टर्न है ही नहीं, पता नहीं कितने नंबर ऑफ टर्न है, मालूम नहीं इनफाइनाइट तक है, और ये भी कर दिया एक बार एक रिंग में करंट एंटी क्लॉकवाइज है, एक में क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, क्लियर है यहाँ तक, कह रहे सेंटर पे बी निकालो, और रेडियस रिंग का वो दे रहे, पहली रिंग का रेडियस क्या है आर, दूसरी का कितना है टू आर, तीसरी का कितना है टू स्क्वायर आर, नेक्स्ट का कितना है टू क्यूब आर एंड सो ऑन। तो हम क्या कर सकते हैं, रिंग्स का मैग्नेटिक फील्ड निकाल लें, पहली रिंग का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, पहली रिंग का मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई बाय आर, करेक्शन है 2 पाई आई बाय आर, दूसरी रिंग का क्या होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई बाय 2 आर, नेक्स्ट का 2 पाई आई बाय 2 स्क्वायर आर, रेडियस में चेंज करता जा रहा हूं, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात है, एक में करंट क्लॉकवाइज है तो दूसरे में करंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो अगर एक मैग्नेटिक फील्ड बाहर प्रोड्यूस करेगा तो दूसरा अंदर प्रोड्यूस करेगा, तो डायरेक्शन चेंज करता रहेगा, इसीलिए पहला मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव तो दूसरा मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, चौथा नेगेटिव, तो इनमें से कॉमन निकाल लो टर्म्स, कॉमन निकाल के आपके पास ये आ जाएगा, अब मैथ्स के लोग जानते हैं जीपी बन गई, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म किन्हीं भी दो टर्म्स को अगर डिवाइड करें तो रेशियो सेम आ रही है, मतलब इसको इससे डिवाइड करेंगे माइनस हाफ,
इसको इससे डिवाइड करेंगे माइनस हाफ, इसको इससे डिवाइड करेंगे माइनस हाफ। हमने जीपी की प्रॉब्लम पहले भी की है, तो इनफाइनाइट जीपी में क्या करते हैं, म्यू नॉट बाय आई बाय टू आर फर्स्ट टर्म ए अपॉन वन माइनस आर, आर क्या है इसमें कॉमन रेशियो कितनी है माइनस हाफ आंसर। तो आइडिया समझ में आ रहा है वो कैसे रिंग्स चेंज कर करके अपना क्वेश्चन दे रहा है, वो कुछ भी दे लेगा, एटलीस्ट हमें पॉइंट समझ में आ रहा है कि हमें कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, अब क्यूब की प्रॉब्लम देखो। देखो क्यूब की प्रॉब्लम इलेक्ट्रोस्टैट्स में आई, इलेक्ट्रोस्टैट्स में कैपेसिटर की फॉर्म में आई थी, मैंने कहा था वीडियो सुन लेना है ना, वो आपने सुनी भी। फिर मैंने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी में करेंगे क्यूब की प्रॉब्लम, आप उसकी वीडियो सुन लेना, उसमें तीन तीन मेथड मैंने सिखाए थे। कितने लोगों ने सुनी थी वो वीडियो क्यूब वाली, इलेक्ट्रिसिटी की स्पेशली? इलेक्ट्रिसिटी की सुननी चाहिए थी, इलेक्ट्रिसिटी की इसलिए नहीं सुननी चाहिए थी कि उसमें क्यूब की प्रॉब्लम सॉल्व करनी सिखा रहे हैं, इसलिए करनी चाहिए थी। तो जो टेक्निक है क्यूब की प्रॉब्लम सॉल्व करने की वो इंपॉर्टेंट थी, स्पेशली जो थर्ड टेक्निक थी या सेकेंड टेक्निक तो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, जिसमें पॉइंट्स के पोटेंशियल लेके मैं सॉल्व करता था, उसको करना चाहिए, ठीक। आगे अब मैग्नेटिक आ गया, मैग्नेटिक में भी क्यूब आ गया। मैं अब ये नहीं कहूँगा रिकॉर्डिंग से, इसको मैं अभी सॉल्व कर दूंगा क्योंकि दो मिनट का काम है, ये रिकॉर्डिंग वाला लंबा काम नहीं है, दो मिनट का काम है। हर वायर में करंट है, आपको सेंटर पे क्या निकालना है, बी निकालना है। आपने क्या करना है, सिमिट्री देखनी है इसमें। सिमिट्री कैसे, ये देखो, जैसे एक आपने वायर देखी ए एफ, तो एक देखी आपने सी एच, मतलब ये और बिल्कुल डायगनली ऑपोजिट ये। तो आप एक बार बताओ कि इसने, इस करंट ने यहां पर बी प्रोड्यूस करना है कैसे, ये गया करंट और बी कैसे प्रोड्यूस होगा इनसाइड, और इसके अंदर करंट ऐसे है तो बी कैसे जनरेट होगा आउटसाइड। तो ये करंट कैरिंग वायर यहां पर भी आउटसाइड जनरेट करेगी और ये करंट कैरिंग वायर यहां पर इनसाइड जनरेट करेगी। तो कहने का मतलब ये दोनों वायर यहां पर जो बी जनरेट करेंगे उनका मैग्नीट्यूड तो सेम है और डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ये दो वायर्स का मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या हो जाएगा, कैंसल, ठीक है। उसी तरीके से इसका और इसका भी क्या हो जाएगा, कैंसल, इसका और पीछे वाली का कैंसल, इसका और पीछे वाली का कैंसल। हर वायर के सामने एक और वायर आपको मिलेगी मिलेगी क्यूब में कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन। तो ये ऑपोजिट जो एंड की जो डायगनल ऑपोजिट वायर्स हैं वो आपस में बी इनसाइड एंड आउटसाइड जनरेट करके एक दूसरे को कैंसिल करती रहेंगी और नेट आंसर स्ट्रेट वे इसमें क्या आएगा, जीरो, राइट, क्लियर है। तो इसका आंसर जीरो आएगा।